इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे किस तरह से हम स्केच को डायमेंशन करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्केच को देखें तो इस स्केच में आपको पता लगेगा कि हमारे पास कई तरह के डायमेंशन हैं, जैसे कि ये वर्टिकल डायमेंशन है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, ये आपके पास रेडियस और डायमीटर के लिए सर्कल डायमेंशन है, और यहाँ पर ये आर्क के लिए आपको डायमेंशन देनी है, और यहाँ पर आप एंगुलर डायमेंशन देंगे। तो ये सारे डायमेंशन हम किस तरह से दे सकते हैं, इन डायमेंशन को देने के लिए हमारे पास जो टूल है दैट इज स्मार्ट डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशन की मदद से हम हर तरह की डायमेंशन स्केच को दे सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट डायमेंशन टूल है, उसे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप स्मार्ट डायमेंशन टूल को क्लिक करेंगे, आपके पास जो सिलेक्शन कर्सर है इसके ऊपर आपको डायमेंशन का इंडिकेशन शो कर रहा है। इसका मतलब इस समय आप डायमेंशन देने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आप वर्टिकल ये लाइन है, आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वर्टिकल डायमेंशन ये शो कर रहा है। अगर आप देखें ये वर्टिकल डायमेंशन आपको इस समय शो करना शुरू कर रहा है। आप जहाँ पर इसको रखना चाहें आप इसे रख सकते हैं। कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं राइट नाउ आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सपोज मैं 90 करना चाहता हूँ, इसको 90 ओके नाउ। इसी तरह से आप देखें ये आपके पास हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, आप इसे क्लिक कीजिए और आप इसे जो डायमेंशन मेंशन करना चाहते हैं आप इसे वो डायमेंशन मेंशन कर सकते हैं। मैं इसे 300 मेंशन कर रहा हूँ, अच्छे ओके नाउ। ना इस समय ये 300 मेंशन किया है। अब सपोज ये डायमेंशन 300 नहीं, ये 290 है, इस सिचुएशन के अंदर आप दोबारा कर सकते हैं, इसे डबल क्लिक कीजिए, आपके पास वही मॉडिफिकेशन वाला पॉपअप आ जाएगा। इस समय आप 290 मेंशन करें तो ये बिल्कुल जो डायमेंशन आपको चाहिए उसी डायमेंशन के मुताबिक ये 290 हो जाएगा। नाउ अब आपको यहाँ पर एंगुलर डायमेंशन की ज़रूरत है, तो एंगुलर डायमेंशन के लिए भी आप इस लाइन और इस लाइन को क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर ये मेंशन करता है कि आपको बेसिकली किस एंगल की रिक्वायरमेंट है। आप जो एंगल देना चाहते हैं आप वो एंगल मेंशन कीजिए, इट्स ओके नाउ। इसी तरह से अगर आप देखें, मैं ये आपके पास सर्कुलर डायमेंशन है, मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको ये मेंशन कर रहा है कि आपका बेसिकली डायमीटर क्या है। आप जो डायमीटर देना चाहते हैं आप वो डायमीटर यहाँ से इसको मेंशन कर सकते हैं, जैसे 20 0 ओके नाउ। इसी तरह से आप यहाँ पे ये आर्क फॉर्मेशन है, अगर आप आर्क को देना चाहते हैं, जैसे आप आर्क को क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपसे रेडियस पूछना शुरू कर देगा। आप जो आर्क को रेडियस देना चाहते हैं, लेट्स सपोज 80, आप वो मेंशन कीजिए और यहाँ पे आप आर्क को भी रेडियस दे सकेंगे। नो इसी तरह से आपके पास सपोज मैं एक इंक्लाइन डायमेंशन के लिए एग्जाम्पल तैयार कर लेते हैं। अगर आप देखें ये मान लीजिए कुछ इस तरह से ये एक इंक्लाइन डायमेंशन है और इसकी डायमेंशन आपको यहाँ से मेंशन करनी है। इस सिचुएशन में अगर आप स्मार्ट डायमेंशन क्लिक करें यहाँ पे और इन दो पॉइंट्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो अगर आप इसको ऐसे लेके जाएंगे तो ये आपको इंक्लाइन डायमेंशन मेंशन करेगा, और अगर आप इसे हल्का सा राइट साइड पर लेके जाएंगे या आप इसे हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो आपको बताएगा कि हॉरिजॉन्टली इसका क्या डिस्टेंस है। आप जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेंशन करना चाहते हो दे सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इसे पिक करते हैं दोबारा और आप इसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो आपको इस समय ये वर्टिकल आपको देखिए नीचे, इस समय आपको ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल आपसे डायमेंशन पूछना शुरू कर रहा है तो आप देना चाहें। बेसिकली जब भी आप डायमेंशन टूल यूज करते हैं तो आप जिस डायरेक्शन में और जिस भी चीज को आप क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको डायमेंशन ये देगा। तो अगले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे किस तरह से हम किसी भी डायमेंशन को फुल्ली कंस्ट्रेन या पूरी तरह से सारी डायमेंशन को हम देंगे।